Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Elifnan Khan and today we will discuss about the regulation of cell division by CDK. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. CDK regulate cell division by phosphorylating. Basically CDK regulate कैसे करते हैं cell division को, कुछ critical proteins हैं जिनकी phosphorylation करके CDK जो है वो cell division को regulate कर रहा होता है. अब उनमें कौन कौन सी जो है वो critical proteins हैं. फर्स्ट वन इज़ लैमिनिन एंड सेकेंड मायोसिन एंड थर्ड वन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन. अब अगर फर्स्ट हम बात करें कि जो न्यूक्लियर एनवेलप की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मेंटेन होती है बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो लैमिनिन से मिलकर जो है वो बनते हैं. अब जब फास्फोरिलेशन होती है लैमिनिन की बाय सीडीके से तो वो डीपोलराइज हो जाती है. वो स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर एनवेलप की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो डीपोलराइज हो जाती है. जब वो डीपोलराइज होती है तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है. इसके अलावा जो सेकंड एक काइनेज टारगेट होता है वो एटीपी ड्रिवन कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी है जिसमें एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स जो हैं वो शामिल हैं. और बेसिकली ये एक्टिन और मायोसिन करती क्या हैं, ये जो हैं ये सेल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. अब जब सेल डिवीजन हो गई तो सीडीके क्या करेगा, फास्फोराइलेट अ स्मॉल रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ द मायोसिन. जब ये स्मॉल रेगुलेटरी सब यूनिट मायोसिन को फास्फोराइलेट करेगा तो काजिंग द डिसोसिएशन ऑफ द मायोसिन फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट्स एंड इनएक्टिवेटिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी. कि जब सेल डिवीजन के बाद सीडीके एक स्मॉल रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ द मायोसिन उसको फास्फोराइलेट करता है तो मायोसिन डिसोसिएट हो जाती है एक्टिन फिलामेंट से और इनएक्टिवेट हो जाती है फिर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी दोनों से मिलकर बनी है. अब जब सीडीके ने फास्फोरिलेशन कर दी मायोसिन की तो ये डिसोसिएट हो गई, इनएक्टिवेट हो जाएगी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी. लेकिन जब फिर बाद में इसकी सब्सिक्वेंट डीफास्फोरिलेशन हो जाएगी तो अलाउ द रीअसेंबली ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस. कहते हैं कि जब डीएनए डैमेज डिटेक्ट होता है तो ये प्रोटीन जो है पार्टिसिपेट करती है एक मैकेनिज्म में जो अरेस्ट कर देती है सेल डिवीजन को इन G1. कि बेसिकली जब डीएनए डैमेज डिटेक्ट होता है तो ये प्रोटीन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन एक मैकेनिज्म में जो है वो पार्टिसिपेट करती है जो कि वो मैकेनिज्म अरेस्ट कर देता है सेल डिवीजन को G1 में. और इसके अलावा ये जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है ये फंक्शन करती है इन मोस्ट परहैप्स ऑल द सेल टाइप्स टू रेगुलेट द सेल डिवीजन इन रिस्पॉन्स टू अ वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब ये अनफॉस्फोराइलेटेड होती है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन तो ये बाइंड करती है E2F फैक्टर के साथ. जब E2 फैक्टर के साथ ये बाइंड कर जाती है तो E2F जो है वो कैन नॉट प्रमोट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट आर नेसेसरी फॉर द DNA सिंथेसिस. अब उसमें कौन कौन से जीन्स हो सकते हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन जो है E2F रेगुलेट कर रहा था, तो वो है DNA पॉलीमरेज अल्फा, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेजेस और कुछ अदर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं. नेक्स्ट हम बात करें कि जब ये काम हो चुका होता है तो सेल साइकिल तो प्रोसीड नहीं करेगा ना फ्रॉम द G1 टू S फेस, बिकॉज ये काम जो E2F था वो कर रहा था कि कुछ जीन्स ऐसे बना रहा था जो DNA की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी थी तो वो S फेस में काम आने थे, लेकिन वो यहाँ पर ही वो ब्लॉक हो चुका है काम, तो इसलिए फिर सेल साइकिल जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा, G1 में रेस्ट हो जाएगा. लेकिन ये जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन और E2F ब्लॉकिंग थी, जब ये रिलीफ होती है तो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन फास्फोरिलेट हो जाती है बाय द साइक्लिन ECDK2 से. उसके बाद फिर ये दो जो ब्लॉकिंग है ये रिलीफ हो जाती है. कब होती है रिलीफ, जब रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की फास्फोरिलेशन होती है साइक्लिन ECDK2 से विच अकर इन रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल फॉर सेल डिवीजन टू प्रोसीड. अब ये फास्फोरिलेशन इसकी क्यों होती है, इस रिस्पॉन्स में होती है कि सेल अब एक सिग्नल दे रहा है कि सेल डिवीजन को प्रोसीड किया जाए नेक्स्ट, इस वजह से उसकी फास्फोरिलेशन कर दी जाती है. नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें कि दो प्रोटीन काइनेजेस बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोटीन काइनेजेस ATM और ATR जब ये डिटेक्ट करते हैं DNA डैमेज हो चुका है DNA को, तो ये बेसिकली ये सारा प्रोसेस एक सिग्नल्ड किया जाता है बाय प्रीसेंस ऑफ अ प्रोटीन mRNA जो है ये प्रोटीन है, इसके ज़रिए वो सिग्नल्ड करते हैं ये ओवरऑल सारे मैकेनिज्म को. अब उसके बाद ये होता है कि
जब ये मैकेनिज्म को एमआरएन के साथ सिग्नल्ड करते हैं तो ये फास्फोराइलेट कर देते हैं P53 को और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर जब ये एक्टिवेट भी हो गया, फास्फोराइलेट भी हो गया, तो ये नेक्स्ट स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ द P21 प्रोटीन। और ये बेसिकली P21 की जो है हम एक एग्जाम्पल जो है पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है इनहिबिशन ऑफ द CDK, उसमें हमने इसकी एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट ये वो प्रोटीन है जो इनहिबिट द प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी ऑफ द साइक्लिन ACDK2। इन द प्रेजेंस ऑफ द P21, कि जब P21 जो है वो मौजूद होती है तो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन जो है अनफास्फोरिलेटेड रहती है। क्यों? क्योंकि P21 ने ही साइक्लिन ACDK2 को ब्लॉक कर देना है या इनएक्टिव कर देना है। जब ये साइक्लिन ACDK2 एक्टिव था तो ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की फास्फोरिलेशन करके उसको इनएक्टिव कर देता था। लेकिन जैसे ही ये ATM-ATR ने अपना प्रोसेस चलाया है, उसके ज़रिए इन्होंने P53 को फास्फोराइलेट करके एक्टिव कर दिया है, तो इसने P21 प्रोटीन बनाई जिसने साइक्लिन ACDK2 को इनएक्टिव कर दिया। तो जिससे फिर क्या हुआ, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की फास्फोरिलेशन ही नहीं हुई। और जब ये फास्फोरिलेशन इसकी हुई ही नहीं तो ये बाउंड करेगा E2F के साथ और इसकी भी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, तो सेल साइकिल जो है वो रेस्ट हो जाएगा G1 में। इसके अलावा ये दिस गिव्स द सेल टाइम टू रिपेयर द DNA बिफोर एंटरिंग द S फेज। मतलब ये सारा काम कि उसको GP21 की मौजूदगी में ये जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है ये अनफॉस्फोरिलेटेड था और E2F के साथ ब्लॉक कर सॉरी बाउंड किया, और उसके बाद फिर उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया, सेल साइकिल G1 में रेस्ट हुआ। तो ये सारा प्रोसेस से क्या होता है, सेल को टाइम मिल जाता है कि वो अपना DNA जो है रिपेयर कर सके बिफोर एंटरिंग द S फेज और अवॉइड कर सके पोटेंशली द डिसेस्टर ट्रांसफर ऑफ अ डिफेक्टिव जीनोम टू वन और द मोर डॉटर सेल। नेक्स्ट व्हेन द डैमेज इज टू स्पियर टू अलाउ द इफेक्टिव रिपेयर, कि जब एक डैमेज बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो के उसको अलाउ किया जाए कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिपेयर करना है, तो यही सेम मशीनरी ट्रिगर करती है एक प्रोसेस को, अपोप्टोसिस को, जो कि लीड्स टू अ डेथ ऑफ अ सेल, जिससे फिर सेल की डेथ हो जाती है, प्रिवेंटिंग द पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ अ कैंसर। तो फिर ये रोका जाता है कि कहीं जो है वो कैंसर ही डेवलप ना हो जाए। जी नेक्स्ट ये है एक ओवरऑल मैकेनिज्म जो हम अभी तक पिछली स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, कि जब तो DNA इंटैक्ट होता है तो साइक्लिन ECDK2 एक्टिव होता है और ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की फास्फोरिलेशन कर देता है, जिससे ये ब्लॉक हो जाती है। जब ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन ब्लॉक हो जाती है तो ये E2F के साथ बाउंड नहीं कर सकती। जब ये बाउंड नहीं कर सकती तो E2F जो है एक्टिव होता है और वो एंजाइम्स बनाता है जो DNA सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, और फिर सेल G1 से S फेज पे मूव कर जाता है। लेकिन जब DNA में एक ब्रेक आ जाए तो MRN जो है एक प्रोटीन है इसको डिटेक्ट करके सिग्नल ATM-ATR प्रोटीन काइनेज़ को देता है, तो ये नेक्स्ट पेयर P53 की फास्फोराइलेशन जो है करके उसको एक्टिव कर देते हैं। जब ये फास्फोराइलेशन हो के फिर एक्टिव जब हो जाता है तो नेक्स्ट ही स्टिमुलेट करता है P21 की सिंथेसिस को, और P21 नेक्स्ट फिर साइक्लिन ECDK2 के साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर देती है। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को फास्फोराइलेट करके इनएक्टिव नहीं कर सकता, तो जिससे फिर ये एक्टिव ही रहती है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, और ये E2F के साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर देती है। और जब ये इनएक्टिव हो जाता है E2F, तो ये नेक्स्ट फिर इंजाइम्स ही नहीं बना पाएगा जो कि DNA सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, और सेल फिर अरेस्ट हो जाएगा G1 में। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।